Hello everyone! Welcome back to my channel. It's story time! और मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर ऋषिका। तो चलो आज एक अच्छी सी स्टोरी सुने। लेकिन आज स्टोरी स्टार्ट करने से पहले जरा मुझे ये तो बताइए, क्या आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हैं? अगर अच्छी लगती हैं, तो फिर आप उसे शेयर क्यों नहीं करते? चलिए आप जाके शेयर करके आइए, मैं वेट करती हूँ। अरे आप गए नहीं, आप तो यहीं पर हैं। चलो ठीक है, आज की स्टोरी आप सुन लीजिए, उसके बाद इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि हमारी स्टोरी फैमिली और भी बड़ी हो जाए। तो चलो शुरू करें। लेकिन आज हम कौन सी स्टोरी सुनेंगे? क्या हम एक मंकी की स्टोरी सुनेंगे? नो। फिर आज हम एक डोंकी की स्टोरी सुनेंगे? नो। आई थिंक आज हम एक ऑक्टोपस की स्टोरी सुनेंगे? नो नो नो, आज हम सुनेंगे एक लामा की स्टोरी। तो चलो लेट्स गेट इनटू द स्टोरी। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले लेट्स ऑल सिंग द स्टोरी सॉन्ग। इट्स स्टोरी टाइम, टाइम टू हैव सम फन। इट्स स्टोरी टाइम, लेट्स ऑल हैव सम फन। ये लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की हमारी स्टोरी का नाम है अ काउच फॉर लामा, और इसे लिखा और ब्यूटीफुली ड्रॉ किया है लिया गिलबर्ट ने। वाओ, ये कहाँ आ गए हम? ये तो हम किसी की फैमिली में आ गए। और ये किसकी फैमिली है? इस फैमिली का नाम है लागो फैमिली। हेलो लागो फैमिली, हाउ डू यू डू? और इस फैमिली में कौन कौन रहता है? इस फैमिली में एक मम्मा है, पापा है, 3 बेबीज है और एक डॉगी है। और ये किसके ऊपर बैठे हैं सारे के सारे? ये तो एक काउच पर बैठे हैं, ब्लू कलर के काउच पे। काउच यानी कि सोफा। और आप जानते हैं ये काउच लागो फैमिली का सबसे फेवरेट चीज है पूरे घर में। इन लोगों को इस काउच पे बैठना बहुत अच्छा लगता है। इस पे बैठकर ये टीवी देखते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। चलो देखते हैं क्या क्या करते हैं ये लोग काउच पर। अरे वाह, ये देखो मम्मा क्या कर रही है काउच पे। मम्मा तो बच्चों को साथ में बिठाकर हगी करके स्टोरी सुना रही हैं, एक स्टोरी बुक पढ़ रही हैं। अरे वाह। और इधर देखिए जरा, अरे वाह, ये तो दोनों बच्चे मिलके काउच पे बैठ के गेम्स खेल रहे हैं, कार्ड गेम्स, बोर्ड गेम्स। और ये तो डॉगी भी रनिंग रनिंग कर रहा है इस काउच के ऊपर। और इधर देखिए जरा, पापा क्या कर रहे हैं? अरे वाह, पापा तो बच्चों के साथ खेल रहे हैं इस काउच में, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। ओ वाओ, सो लवली। अरे अरे अरे, इधर देखिए जरा, ये क्या कर रहे हैं बच्चे? हो देखो, काउच के कुशन्स को नीचे उतार के उन पे जंपिंग जंपिंग कर रहे हैं अपने डॉगी के साथ। और इधर देखिए जरा, मम्मा क्या कर रही हैं? मम्मा तो अपनी छोटी सी बेबी को लेके उस पे बैठ के नेल पॉलिश लगा रही हैं। ओ वाओ, और देखो थोड़ी सी नेल पॉलिश गिरा भी दी है काउच पे। ओ गॉड। और इधर देखिए जरा, अरे ये क्या हो रहा है? पापा तो गंदे गंदे जूते लेकर रनिंग कर रहे हैं काउच के ऊपर अपने बेटे के साथ। ओ गॉड, मुझे लगता है लागो फैमिली का बहुत ही ज्यादा फेवरेट है ये ब्लू कलर का काउच। अब इधर तो देखिए जरा, इस काउच पे तो सारे के सारे ही बैठे हुए हैं आज। क्या बात है भाई, मम्मी पढ़ रही हैं न्यूज़पेपर और साथ में अपना टोस्ट भी गिरा रही हैं काउच पे। और पापा, पापा तो कॉफी गिरा रहे हैं काउच पे। और ये छोटे से बेबी को देखो, ये तो अपने पेंसिल से ड्राइंग कर रहा है काउच पे। और बाकी दोनों बच्चे लड़ रहे हैं। और पीछे देखो, डॉगी भी बैठा है। मुझे लगता है ये काउच अब तो बहुत ही पुराना हो गया है, और इसमें से आई एम श्योर बदबू भी आती होगी। छी 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 छी, डर्टी। और कुछ जगह से ये फटा भी हुआ है और इस पे दाग भी लगे हैं। तो आई थिंक अब इस फैमिली को एक नए काउच की जरूरत है। चलो देखते हैं अब लागो फैमिली कहाँ जाती है अपने नए काउच को लेने। चलो देखें, लेट्स गो। लामा लामा गाओ ये गाना, लामा लामा इधर तो आना, लामा लामा गाओ ये
इधर तो आना। अरे वाह, इन्हें देखिए जरा, सारी की सारी फैमिली घुस गई अपनी कार में और ड्राइव करते हुए निकल गई एक स्टोर में नया काउच खरीदने। और जैसे ही सारे के सारे स्टोर में पहुंचे, तब सारे के सारे कहने लगे, अब देखो भाई, हमें बहुत ज्यादा बड़ा सा काउच नहीं चाहिए और हमें बहुत ज्यादा छोटा सा काउच नहीं चाहिए। हमें तो ऐसा काउच चाहिए जिसपे हम सारे के सारे आराम से फिट हो सके। और ये देखो, सबको लगता है मिल भी गया अपना फेवरेट रेड कलर का काउच। इसमें तो सारे के सारे बहुत अच्छे से फिट आ रहे हैं, है ना? और ये काउच तो सेल पर भी है। तो पापा ने सोचा, चलो इस काउच को खरीद लेते हैं। और पापा ने इस काउच को खरीदा और फिर अपनी कार में जाके ऊपर छत पे जोरों से बांध दिया, ऐसे करके राउंड राउंड राउंड। और फिर इस काउच को लेकर सारी की सारी लागो फैमिली घर चली गई। लेकिन मुझे तो लगता है रास्ते में इस काउच के साथ कुछ हुआ है। आपको देखना क्या हुआ, चलो लेट्स गो एंड सी। लामा लामा गाओ ये गाना, लामा लामा इधर तो आना। लामा लामा गाओ ये गाना, लामा लामा इधर तो आना। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? देखो बच्चों, ये तो काउच उतर के नीचे गिर गया गाड़ी से, वुश धड़ाम। और लागो फैमिली को तो पता ही नहीं चला। ओ ओ ओ, लेकिन देखिए बच्चों, ये काउच कहाँ जाके गिरा? अरे वाह, ये काउच तो मिल गया एक लामा को। हेलो लामा, हाउ आर यू? जैसे ही काउच जाके गिरा लामा जी के पास, तब लामा जाके उस काउच को सूंघने लगा। क्या है भाई, क्या चीज है ये जो मेरे पास आके गिर गई है? अब लामा को लगा कि ये तो कोई एनिमल है। तो लामा ने जाके इस काउच को जोर से बोला, हेलो How are you? लेकिन आप जानते हैं बच्चों, इस काउच ने तो लामा को कोई जवाब नहीं दिया। और बेचारा लामा सोचने लगा, अरे ये काउच तो कुछ बोलता ही नहीं है भाई। फिर लामा ने सोचा, चलो मैं अपना खाना शेयर करता हूँ इस काउच के साथ। तो लामा गया, अपना थोड़ा सा खाना लेके आया और काउच को दे दिया। लेकिन काउच ने तो खाना भी नहीं खाया। अब लामा जी सोचने लगे कि भाई ये तो मुझसे बात नहीं कर रहा, ना ही खाना खा रहा है। चलो चलो चलो, अब मैं ही इसे खाने की कोशिश करता हूँ। तब मिस्टर लामा ने इसको खाने की कोशिश की, ऐसे करके अम 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 अम। लेकिन आप जानते हैं, ये काउच तो लामा को खाने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहने लगा, ची 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 ची, इसका टेस्ट तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये तो एकदम ड्राई और मिट्टी के जैसा है। फिर बेचारे लामा जी को लगा, भाई ये काउच तो यूजलेस है, मेरे किसी भी काम का नहीं है, चलो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। और बड़ी मेहनत से जाके जोर से लामा ने इस काउच को पुश करने की कोशिश की। लेकिन ये काउच तो अपनी जगह से हिला ही नहीं, क्योंकि वो तो इतना भारी था। लेकिन हमारी लागो फैमिली कहां तक पहुंची? चलो चल के देखें। Let's go and see। लामा लामा गाओ ये गाना, लामा लामा इधर तो आना। लामा लामा गाओ ये गाना, लामा लामा इधर तो आना। अरे ये देखो, लागो फैमिली जो है, उसे अभी तक पता ही नहीं था कि उनकी गाड़ी की छत से काउच नीचे गिर गया। सडनली उन्होंने देखा, हाँ हमारा काउच कहाँ चला गया? फिर उन्होंने बोला, चलो चलो चलो, अभी वापस चलते हैं अपने काउच को लेने। लेकिन काउच तो पड़ा था लामा के पास। और लामा ने बोला, ये काउच तो कुछ खाता नहीं, कुछ बोलता नहीं और टेस्टी भी नहीं है, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, चलो मैं इसे इग्नोर करता हूँ। लेकिन काउच को इग्नोर करते करते लामा तो हो गया बहुत ही ज्यादा बोर। सो बोरिंग बोरिंग बोरिंग। लेकिन जैसे ही लामा को लगा कि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, उसने क्या किया आपको पता है? काउच के ऊपर जाके चढ़ गया। और जैसे ही ऊपर चढ़ा तो उसने बोला, अरे वाह ये तो बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है। चढ़ते ही वो तो काउच पे जंप करने लगा जोर जोर की, ऐसे करके।
डिंक चिक्का डिंक चिक्का डिंक चिक्का डिंक हाय डिंक चिक्का डिंक चिक्का डिंक चिक्का डिंक हाय। और इतनी जोर जोर की उसने जंप किया काउच पे कि उसको तो मजा आने लगा। कहने लगा, वाओ ये तो कितना सॉफ्ट काउच है, इस पे तो जंप करने में बहुत मजा आ रहा है। तब वो और जोर जोर की ऊंची ऊंची जंप करने लगा, डिंक चिक्का डिंक चिक्का डिंक चिक्का डिंक हाय डिंक चिक्का डिंक चिक्का डिंक चिक्का डिंक हाय। इतनी जंपिंग जंपिंग बंपिंग करने के बाद लामा जी तो थक गए और धड़ाम से आके नीचे गिर गए काउच पे और कहने लगे, वाओ ये काउच के कुशन्स तो कितने सॉफ्ट हैं, स्मूशी हैं, फ्लफी हैं, पफी हैं, अरे वाह ये तो मुझे बहुत ही मजा आ रहा है इस काउच पे लेट करके, कितना आराम आ रहा है मुझे। और आपको पता है धीरे ही धीरे लामा जी को ये काउच तो इतना अच्छा लगने लगा कि उसे तो काउच से प्यार ही हो गया। देखो ना कैसे कैसे करके बैठा है, कभी टेढ़ा होके कभी मेढ़ा होके कभी उल्टा होके कभी सीधा होके, मिस्टर लामा को तो काउच में बहुत मजा आने लगा। इतनी ही देर में लागो फैमिली आ गई और उन्होंने देखा, हाँ ये हमारा काउच कहाँ जाके गिरा है, एक लामा के पास, और हमारे काउच पे इतना बड़ा सा लामा लेटा हुआ है। अरे भाई लामा जी ये काउच हमारा है, हमें वापस दे दीजिए जरा। तब सारी की सारी फैमिली गई अपने काउच के पास और मिस्टर लामा को काउच पर से हटाने की कोशिश करी और जोर से धक्का देना शुरू किया लामा को, क्योंकि वो तो इतनी आराम से बैठा हुआ था काउच पे ऐसे करके। और इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली लागो फैमिली ने लामा जी को काउच पे से उतारा और काउच को वापस अपनी गाड़ी पे रख के जोर से कस के बांध दिया, 1 2 3 और उसे घर ले जाने लगे। लेकिन जाते जाते पापा ने लामा को कहा, लामा जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम वापस आएंगे आपके पास। तो चलो देखें कि पापा क्या लेकर आए लामा के लिए, लेट्स गो एंड सी। लामा लामा गाओ ये गाना, लामा लामा इधर तो आना, लामा लामा गाओ ये गाना, लामा लामा इधर तो आना। अरे वाह ये क्या लेकर आए पापा, पापा तो अपना पुराना वाला ब्लू कलर का काउच ले आए जो बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया था, जिसमें आ रही थी बदबू और जो फट भी गया था। अब उस काउच को वो लामा जी के लेके आ गए और कहने लगे, मिस्टर लामा अब आप इसको यूज कीजिए आराम से। और लागो फैमिली अपनी न्यू वाले काउच को घर लेके चली गई, उसको लिविंग रूम में रख दिया और पूरी की पूरी फैमिली उसे बहुत अच्छे से यूज करने लगी और बहुत ही हैप्पी भी हो गई अपने न्यू काउच के साथ। लेकिन आप जानते हैं सबसे ज्यादा हैप्पी कौन था, सबसे ज्यादा हैप्पी तो मिस्टर लामा थे, क्योंकि उनको मिल गया एक काउच जिसके ऊपर वो रोज बैठा करते थे, लेटा करते थे और बाउंसी बाउंसी भी किया करते थे। देखो 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 कैसे कभी टेढ़े कभी मेढ़े कभी उल्टे कभी सीधे होके बैठे हैं मिस्टर लामा इस काउच पे। अरे वाह मिल गया मिस्टर लामा को एक काउच और हो गए वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी। तो बताइए कैसी लगी आपको आज की स्टोरी, अच्छी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दो आप लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के साथ करो इसे शेयर एंड लिसन टू मोर स्टोरीज एनी टाइम एनीवेयर। तो चलो ये थी आज की हमारी स्टोरी टाइम, अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू स्टोरी। अंटिल देन इट्स टाइम टू से बाय बाय।